हेलो एवरीवन, वेलकम टू रारा। आज मैं सोल ट्री की लिपस्टिक का रिव्यू कर रही हूँ, अनदर शेड लेकर के आई हूँ। और ये मिनिएचर लिपस्टिक है, इसका शेड है ग्लोइंग वॉलेट 513। एंड ये जो लिपस्टिक है इसका बड़ा साइज 550 रुपीज़ का आता है। मिनिएचर लिपस्टिक अगर आपको लेनी है तो आप सोल ट्री की साइट से आई थिंक 1400 रुपीज़ की कोई भी प्रोडक्ट की परचेजिंग करेंगे जब ऑफर आएगा तो। ऑफकोर्स आपको ये 16 लिपस्टिक्स फ्री मिलेंगी और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो जानना चाह रहे थे कि आपके पास ये सोल ट्री की जो लिपस्टिक है वो कहां से मिली आपको, वो भी मिनिएचर। तो अब हम लगा लेते हैं ग्लोइंग वॉलेट एंड दिस इज वेरी ब्यूटीफुल शेड, तो चलिए अप्लाई कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं ये है क्रुएल्टी फ्री, फ्रेग्रेंस फ्री एंड पैराबेन फ्री, लेड फ्री, SLS फ्री और सिलिकन नहीं है इसमें। 100% नेचुरल है, आयुर्वेदिक लिपस्टिक है। इसमें है ऑर्गेनिक घी, वाइल्ड हनी एंड स्वीट आमंड ऑयल जो कि लिप्स को नरिश करता है और ये सर्टिफाइड नेचुरल बाय जर्मनी। सो चलिए मैं इसे अप्लाई कर लेती हूँ। एंड ये इंडियन स्किन टोन के हिसाब से सारे शेड बनाए गए हैं, पूरी 16 शेड्स आते हैं। दिस इज द शेड एंड मैं इसे कंप्लीट लिप्स पर अप्लाई कर लेती हूँ। उसके साथ ही मैं आपको अपने हाथ पर भी इसका शेड दिखा देती हूँ। दिस इज द शेड, तो आप देख रहे हैं मैंने इसे अप्लाई कर लिया है, लेकिन मुझे एक नेगेटिविटी लगी इस वाले शेड में। नेगेटिविटी मीन्स इसका एक माइनस पॉइंट लगा कि मुझे इसके 2 से 3 लेयर लगाने पड़े हैं, 3 कोट, तब जाकर के लिपस्टिक का शेड जो है वो आया है। एंड यू कैन सी द शेड, जी हाँ। और बात करूँ इस शेड की तो ये फेयर स्किन टोन पे तो अच्छा लगेगा ही, मीडियम स्किन टोन एंड डार्क स्किन टोन पर भी अच्छा लगेगा। सो इतनी सारी खूबियों के साथ में बनी हुई है ये लिपस्टिक, प्लस आयुर्वेदिक लिपस्टिक्स है, अच्छी है। बट ये शेड एज सच मुझे उतना पसंद नहीं आया है। बहुत सारे लोगों को ये शेड अच्छा लगेगा, ऑफकोर्स बहुत सारे लोगों को वॉलेट शेड अच्छा लगता होगा, लेकिन इस लिपस्टिक की थोड़ी सी पिगमेंटेशन जो है वो लाइट है शेड के हिसाब से, यू कैन सी, और इसमें लिटिल बिट शाइन है। तो अगर आप ये शेड ले रहे हो तो आप इसके आसपास के और शेड ज़रूर ट्राई करें सोल ट्री में। अगर कोई शेड नहीं मिलता है तब आप 513 ले सकते हैं, बिकॉज मैं इसे इतना रेकमेंड नहीं करूँगी। ओवरऑल लिपस्टिक बहुत अच्छी है क्योंकि आपको लिपस्टिक लगाने से पहले लिप बाम भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। इट्स नाइस एंड देख लेते हैं कितना ट्रांसफर होती है। जी हाँ, ट्रांसफर हुई है, लेकिन उसके बाद भी लिप्स पर इसका पिगमेंटेशन बरकरार है और ये 8 घंटे स्टे करने की इसमें पावर जो ऑफकोर्स लिपस्टिक पर लिखा हुआ आता है, लेकिन 8 घंटे नहीं दोस्तों, 5 से 6 घंटे रहती है और उसके बाद बहुत लाइट हो जाती है। आपको टचअप करना पड़ेगा अगर आप बीच में कुछ खा पी रहे हैं तो, और ट्रांसफ़र तो हल्की सी होती ही है, वो तो फैक्ट है। हाँ, आप इसे मैट और ट्रांसफ़र प्रूफ बना सकते हैं लूज़ पाउडर एंड फेस टिश्यू से, वो अनदर बात है। अदरवाइज इट्स नाइस एंड एवरी डे के लिए अच्छा है, डे एंड नाइट दोनों टाइम के लिए ये शेड अच्छा लग रहा है, बट नॉट सो इम्प्रेसिव ऑनेस्टली। मैं सारी लिपस्टिक्स के ऑनेस्ट रिव्यू ही दूंगी। सो इससे पहले मैंने 2 शेड्स के रिव्यू किए हैं, वो आप चेक कर सकते हो, वो मुझे बहुत अच्छे लगे। बट या तो हो सकता है कि ये शेड मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा हो, लेकिन ये मुझे 3 कोट इसके अप्लाई करने पड़े हैं तब जा करके ये शेड मिला है, हो सकता है ये बात हो। बट या आप देख सकते हैं फेस स्किन टोन पर, व्हीटिश स्किन टोन है मेरी, उस पर भी ठीक लग रहा है ये शेड। सो ओवरऑल अच्छा है एंड इतनी सारी खूबियों के साथ आती है ये लिपस्टिक और क्रुएल्टी फ्री है, तो ऑफकोर्स मैं बोलूंगी कि आप सोल ट्री की लिपस्टिक्स जो है वो ट्राई कर सकते हैं। और मेरे चैनल पर अनदर लिपस्टिक्स के रिव्यू भी आपको मिल जाएंगे बहुत सारी लिपस्टिक्स के। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल रारा। मिलते हैं बहुत जल्दी, थैंक यू सो मच, बाय बाय।